चलो मैं नेक्स्ट वीडियो पर काम कर लेता हूँ अब। एनिमेशन इंप्रूव कर। अरे ये क्या बकवास है ब्रो, आरजी जैसा बनाना। अरे आरजी जैसा कब बनाएगा भाई। पबजी खेलोगे क्या मेरे साथ? पबजी ठीक है। हमें ध्यान रखना होगा। नहीं ब्रो, मुझे अटैक करने दे। मुझे गोली लग गई, मैं मरने वाला हूँ। नहीं ब्रो, तू मर नहीं सकता। नहीं। हेलो जी। तो आजकल एनिमेशन इतनी फुद्दू चीज बन रखी है, मैं बता भी नहीं सकता। हाउ टू एनिमेट लाइक आरजी बकेट लिस्ट एंड कीर्ति चाओ ऑन नोकिया 69 इन जस्ट 5 मिनट्स। ओ माय गॉड, वाओ। क्या इन जस्ट 5 मिनट्स? ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। क्या बोलता कीर्ति, वीडियो अपलोड करे क्या? अरे आरजी अभी आराम करते यार, वैसे भी तो 5 मिनट में वीडियो बन जाती है। अरे कीर्ति सही बोला, माय मैन, फुल हैकर बोलते थैंक्स टू नोकिया 69। नहीं मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इनके घर जाके देखते हो ये किस चीज से एनिमेशन कर रहे हैं? वैसे हाँ, आरजी नोकिया 69 से एनिमेशन करता है। इनफैक्ट मैं खुद नोकिया 69 से एनिमेशन करता हूँ। वो पहला वाला सीन नोकिया 69 पर ही बना था। अब एक एनिमेटर बनने के लिए तुम्हारा इंट्रोवर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें लोगों से घबराना होगा, भले ही वो बस वहाँ पे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे हो। सेकंड चीज, तुम्हें ड्रॉइंग करते आना चाहिए। तुम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये क्यूट कैट। तो अब एक एनिमेशन चैनल खोलने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक इंस्पिरेशन की जरूरत है। तो तुम्हारी पहली और आखिरी इंस्पिरेशन होना चाहिए आरजी बकेट लिस्ट। बट ब्रो, बोला ना आरजी बकेट लिस्ट, पर वो मेरी इंस्पिरेशन तो डोमिक्स है। हाँ, आरजी बकेट लिस्ट। तो तुम्हें एनिमेशन सीखने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम सबसे बेस्ट एडोब एनिमेट नहीं फ्लिपा क्लिप यूज करेंगे। बट ब्रो, मेरे पास तो लैपटॉप है। तेरे पास लैपटॉप है तो तू लैपटॉप में फ्लिपा क्लिप डाउनलोड कर। अब फ्लिपा क्लिप इतना सही ऐप है ना, इससे एनिमेशन छुड़वा के तुम दुनिया का कोई सा भी काम करवा लो। नहीं सच में भी, मजाक नहीं कर रहा, इसका ये जो आइकन है ना, तुम इसको निकाल के पंखा बना के हवा भी ले सकते हो। भाई ये तो फ्लिपा क्लिप की बेइज्जती मार रहा है। नहीं यार सच्ची में, मैं ये फ्लिपा क्लिप में ही ड्रॉ किया। चलो फाइनली ये वाला सीन भी हो गया है। कुछ भी कहो, एडोब एनिमेट है बड़ा मस्त। अब एक स्टोरी टाइम एनिमेशन के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत एक कैरेक्टर की है, जिसके पीछे छुप के तुम अपनी मनधड़त कहानियां सुना सकते हो। क्योंकि वो चीज तुम कैमरे के सामने आके नहीं सुना सकते हो, क्योंकि फिर तुम एनिमेशन चैनल ही नहीं कहलाओगे। मगर मेरा कैरेक्टर भी तो कैमरे के सामने खड़ा होके ही बोल रहा है, तो क्या ये एनिमेशन चैनल है भी या नहीं? कीर्ति चाओ इस साल वीडियो डालेगा कि नहीं? ऑनलाइन होटल कभी सर्च किया है कि नहीं? कारी मिनाती तारा बाप है। कारी मिनाती मारा बाप है? इस वीडियो का कोई पॉइंट है? नहीं, आई मीन हाँ है। तो अपना खुद का ओरिजिनल कैरेक्टर बनाने के लिए तुम्हें अपनी उंगलियों को तुम्हें रात भर फ्लिपा क्लिप पर रगड़ना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हें मिलेगी अल्टीमेट सुपर हाई क्वालिटी स्मूथ 24 FPS एनिमेशन। नहीं ये। हेलो गाइस, वेलकम टू माय एनिमेशन चैनल, सब्सक्राइब टू मी फॉर एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट, थैंक यू। नहीं तुम्हें इतना सब कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपने मिरर के सामने जाना है एंड देन बूम, 100% ओरिजिनल कैरेक्टर माय मैन। नहीं नहीं रुको, शायद कुछ छूट रहा है। हियर वी गो, 100% ओरिजिनल कैरेक्टर। असली है क्या? हाँ डिवाइन मेरे भाई, फुल असली है। 100% ओरिजिनल। सो अब जब तुम्हारे पास एक 100% ओरिजिनल कैरेक्टर है और एक इंस्पिरेशन है, तो अब तुम्हें तुम्हारे चैनल का नाम सोचना होगा। अब चैनल का नाम सोचना सबसे ज्यादा इजी काम है, बस तुम्हें अपने नाम के आगे एनिमेट्स लगाना है, जैसे कि सोहेल एनिमेट्स। ए बाय द वे, मैं ऐसी आवाज क्यों निकाला ये पढ़ते टाइम? खैर एनीवेज, सोहेल। तो अब जब तुमने एक चैनल बना लिया, तो तुम्हें स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर करने के लिए तुम्हारे पड़ोसी पास जाना पड़ेगा। जिम्मे क्या? नहीं मैंने तुम्हारे डोनट्स नहीं खाए। अरे डोनट्स नहीं, वेट मेरे डोनट्स। जिम्मे साले चोर, तू मेरे डोनट्स किससे पूछ के खाया? खैर इस चीज को भी ड्रॉप करते हैं। तो अब स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर्स लाने के लिए तुम्हें किसी बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करना होगा, और कोलैब के लिए भाई डेक्स आ जाए यार वीडियो में। नहीं रहने दे, मैं नहीं आ रहा। अच्छा जी, भाई की वीडियो में नहीं आएगा, दिखा दी अपनी वाली। नहीं मैं नहीं आ रहा, चल अब निकल, मेरा टाइम मत वेस्ट कर, चल फुट।
है ये क्या कर रहा है? तो देखा आप लोग ने एक बड़ा यूट्यूबर एक छोटे यूट्यूबर के साथ कैसा सिलसिला करता है। सर सर लेकिन सर सुनो तो सर सर इन बड़े यूट्यूबर्स में इतना ईगो है कि अरे सर लेकिन सुनो तो सर डेक्स ऐसे छोटे यूट्यूबर बड़े चुप रहो बिल्कुल नहीं काम करना तू ही आके पूछ लेना ले मेरी जगह खड़े हो जा। अरे सर लेकिन लेकिन क्या हाँ लेकिन क्या मजाक लग रहा है इधर मैं जो करूँ हे हे। तो दोस्तों अभी इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एक बड़े यूट्यूबर ने एक छोटे यूट्यूबर साथ कोलैब करने से मना कर दिया जिसके कारण छोटा यूट्यूबर हुआ पागल। तो दोस्तों अब हम आपके लिए बंटी बबली 24 घंटा स्पेशल की तरफ से एक बहुत ही तगड़ी न्यूज लेके आए हैं सीधे ढोलकपुर की तरफ से। खबर आ रही है कि पीएम जैसे दिखने वाले बंदर ने किया दिल दहलाने वाला डांस। हमारे रिपोर्टर मनीष आपको उधर के चित्र दिखाएंगे अभी। हाँ सही बात बोली नशा तो उससे भी हो जाता है। हाँ तो अभी हम आ गए हैं ढोलकपुर तो अब हम आपको बताएंगे बंदर का नाच। हेलो सर सर आपने सिखाया क्या इसको ये डांस? हेलो सर अब अगर इतना सब करने के बाद भी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे तो तुम जहाँ से आए थे प्लीज वापस चले जाओ। ए वापिस आ वो वीडियो का बस एक जोक था। वैसे तू वहाँ पर क्या करने जा रहा था? अब आखिरी स्टेप बहुत ही ज्यादा इजी है तुम्हें बस एक वीडियो बनाना है। उस वीडियो में तुम ये बताओगे कि तुम अपना वीडियो कैसे बनाते हो और उस वीडियो का टाइटल होगा हाउ आई मेक एनिमेशन लाइक आरजी बकेट लिस्ट एंड कीर्ति चाओ। बस उस वीडियो के 1,00,000 व्यूज तो आराम से आएंगे। पर भाई तेरे नहीं हुए अभी तो 1,00,000। देखो तुम अपने चैनल के लिए किसी टेक चैनल पे या किसी पंडित पे या इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वैसे ये बंदा कौन है? तुम लोग को मेरी बात सुननी होगी। अपने टाइटल में एक बार आरजी बकेट लिस्ट डाल के तो देखो। आरजी बकेट लिस्ट इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि जीने का सही ढंग सीखे हम आरजी संग। सारे बच्चे इसका नाम अपने टाइटल में डाले। वीडियोस पे सभी के व्यूज लेके ये आए। सबकी जिंदगी ये सवारे ये है आरजी मॉन। चाहे बच्चे याद रहे सबका ये। इतना बेसुरा कौन गा रहा है? मुझे तो पता ही नहीं कौन गा रहा है। मैंने सब देख लिया तू बहुत गंदा गा रहा था। खैर उसकी हंसी से तो अच्छा ही था मेरा गाना। यो इस वीडियो के लिए बस इतना है। और हाँ इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बोला है सब मजाक में बोला है, कुछ भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, एम करते 2K लाइक्स के लिए। मुझे पता है तुम कर दोगे। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लो, उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में डालो, मुझे टैग करो और मौका पाओ मेरी अगली वीडियो में एक प्यारा सा शाउट आउट पाने का। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू स्टोरी मेंशन। एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।